मेरा नाम तपस्या है, मैं खानपुर कलाग में रहने वाली हूँ। मेरा घुटना 2-3 साल से ब्लॉक हो रहा था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई किसी का अच्छा रिस्पांस नहीं था, फिर भी अटक जाता था। फिर हम इनके पास आए, फिर इन्होंने बहुत अच्छी केयर की, बहुत अच्छा। कल सुबह हम आए थे और शाम को ही हमारा ऑपरेशन हो गया। आज मेरे साथ दो नेशनल रेसलर्स हैं, दोनों 57 कैटेगरी में फाइट कर चुकी हैं। ये तपस्या है, तपस्या खानपुर कला झज्जर से हैं, और ये जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सीनियर में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। एशियाड के लिए अभी जाएंगी और ओलंपिक के लिए ये अंशु मलिक से आ रही हैं। इनको कितने टाइम से प्रॉब्लम थी बेटा? बहुत टाइम से, 3-4 साल से। 3-4 साल से क्या होता था? ये अटकता था, ब्लॉक हो जाता था, फिर सीधा नहीं होता। कल मैंने आपको ऑपरेशन में दिखाया था, कैसे वो छल्ला फटके बार बार टुकड़े टुकड़े हो रखे थे और वो परत के अंदर जाता था और उसने परत को वहां से घिसाना भी शुरू कर दिया है। सही है ना? तो कल हमने इनकी सर्जरी कर दी है, आज ये कंफर्टेबल है, कोई चीरा फाड़ी नहीं है, बस 2 स्टैब इंसिजन है। बेटा पैर सीधा करके दिखाओ। सब राम राम, मैं भी ऐसे घूमता रहा, मेरा ये चक्कर था भी बेटी झूठ बोल रही होगी, प्रैक्टिस से कटती हो, मलिक हॉस्पिटल में कात्यायन जी के पास जाओ और वहाँ करवाओ। मैं यहाँ आया, यहाँ आते मेरे को बढ़िया रिस्पॉन्स मिली, सुबह डॉक्टर साहब ने देखा और शाम को ऑपरेशन हो गया। अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज दोगे? कि अगर आपका घुटना ब्लॉक होता है तो जरूर एक बार डॉक्टर से संपर्क करें, ये बहुत डेंजर साइन है, आपका घुटना बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू रखते हो।